नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल के पूरे इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा बोलबाला किसी देश के खिलाड़ियों का रहा है तो वह शायद वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ियों का ही रहा है। क्रिस गेल, सुनील नारायण, करण पोलार्ड और आंद्रे रसेल जैसे वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हर साल आईपीएल में अपना जलवा दिखाते रहे हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ियों को T20 स्पेशलिस्ट भी माना जाता है और आईपीएल में फ्रेंचाइजियों के लिए वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं। आईपीएल 2020 की नीलामी में भी वेस्टइंडीज़ के कुछ खिलाड़ियों का नाम रहेगा और आज हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आईपीएल 2020 की नीलामी में अच्छे खासे करोड़ों में पैसे मिल सकते हैं और वो इस साल किसी न किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, दरअसल जिन 5 खिलाड़ियों की हम बात करने जा रहे हैं वह हाल ही में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में 19 दिसंबर को होने वाली आईपीएल 2020 की नीलामी में ये सभी खिलाड़ी मोटी रकम पा सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है ब्रेंडन किंग का। ब्रेंडन किंग 24 साल के दाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज हैं। इस युवा खिलाड़ी ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ब्रेंडन ने गयाना अमेजोन वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए 12 मैचों की 12 पारियों में 55.11 की शानदार औसत व 148.94 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ कुल 496 रन बनाए थे। इन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी इस टूर्नामेंट में लगाए थे। ब्रेंडन किंग कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी थे। उन्होंने कुल 32 छक्के सीजन में लगाए थे। सीपीएल 2019 में किए गए अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भी वेस्टइंडीज टीम में चुना गया है। दोस्तों, उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद उन्हें आईपीएल 2020 की नीलामी में कोई ना कोई खरीदार जरूर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरा नाम है जॉनसन चार्ल्स का। दोस्तों, जॉनसन चार्ल्स ने आईपीएल 2019 की नीलामी में अपना नाम दिया था, लेकिन वह 50 लाख के कम बेस प्राइस के बावजूद भी अनसोल्ड हो गए थे। हालांकि उन्होंने अब सीपीएल 2019 में अच्छा खासा बल्लेबाजी किया है। उन्होंने अच्छे खासे रन्स बनाए हैं। उन्होंने बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए खेलते हुए 13 मैच की 13 पारियों में 31.92 की औसत से 415 रन बनाए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। ऐसे में दोस्तों, जॉनसन चार्ल्स के फॉर्म को देखते हुए आईपीएल फ्रेंचाइजियां उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरा नाम है शेल्डन कॉटरेल का। दोस्तों, शेल्डन कॉटरेल पिछले काफी समय से अपनी तेज गेंदबाजी से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में भी शानदार प्रदर्शन किया था और वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे। भारत के वेस्टइंडीज दौरे पर भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। सीपीएल 2019 में भी सेंट किट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 8 मैचों में 7.83 की इकोनॉमी रेट के साथ 12 विकेट हासिल किए थे। उनके इस लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद कहा जा सकता है कि उन्हें आईपीएल 2020 की नीलामी में खरीदार जरूर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, चौथा नाम है हेडन वॉल्श का। दोस्तों, दाएं हाथ के लेग ब्रेक स्पिनर हेडन वॉल्श ने इस सीपीएल सीजन में अपने प्रदर्शन से सभी को बहुत प्रभावित किया है। बल्लेबाजों को इनके खिलाफ रन बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। रन नहीं देने के साथ ही वो लगातार विकेट लेने में भी सफल रहे हैं, जो किसी स्पिनर की प्रतिभा को दर्शाता है। दोस्तों, हेडन वॉल्श ने इस सीजन में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए 9 मैच खेले जिसमें उन्होंने 22 विकेट हासिल किए। इनका इकोनॉमी रेट इस बीच 7 से ज़्यादा का रहा, लेकिन यदि स्ट्राइक रेट की बात करें तो इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट मात्र 9.18 का रहा है, जो बहुत ही शानदार माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, नीलामी में वॉल्स के पीछे कई टीमें पड़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, पांचवा और आखिरी नाम है लेंडन सिमंस का। दोस्तों, अनुभवी बल्लेबाज लेंडन सिमंस पिछले कुछ समय से लय में नजर नहीं आ रहे थे। उनके बल्ले से लगातार रन्स नहीं निकल रहे थे, लेकिन सीपीएल के इस सीजन में उन्होंने बहुत ही शानदार वापसी करते हुए खूब रन बनाए हैं। सिमंस अब पहले से भी ज्यादा आक्रामकता के साथ शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सिमंस ने इस सीजन टिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए 12 मैचों में लगभग 40 के औसत के साथ 430 रन अपने नाम किए हैं। इस बीच सिमंस का स्ट्राइक रेट 150 का रहा है। लेंडन सिमंस ने इस सीजन में कुल 5 अर्धशतक जड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने 28 छक्के भी लगाए हैं। सिमंस एक शानदार ओपनर बल्लेबाज भी हैं, जो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार ऑक्शन में इन्हें भी कोई ना कोई फ्रेंचाइजी जरूर खरीदना चाहेगी। तो दोस्तों, ये थे वेस्टइंडीज के 5 ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आईपीएल 2020 के ऑक्शन में भारी भरकम रकम मिल सकती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।